लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक का अचानक तबादला होने की सूचना के बाद पारकर्मियों में रोष व्याप्त हो गया है। पारकर्मियों ने दुधवा टाइगर रिजर्व पलिया स्थित कार्यालय पर अकारण हुए इस तबादले के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वन कर्मियों की मांग है कि बेहद ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहे दुधवा पार्क के मुख्य वन संरक्षक संजय पाठक लगातार पार्क और पार्क कर्मियों के हित में फैसले ईमानदारी पूर्वक लेते रहे हैं। अचानक हुए इस तबादले से वे काफी हैरान हैं और शासन से तत्काल तबादला रोके जाने का आह्वान किया है। पार्क कर्मियों की मांग है, अगर संजय पाठक का तबादला निरस्त किया जाए तो आने वाले दिनों में पार्क के गेट सैलानियों समेत सभी के लिए बंद हो जाएंगे और उनका यह विरोध प्रदर्शन आगे भी तबादला निरस्त होने तक जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में पार्क प्रशासन के अलावा बफर जोन पीलीभीत के भी कर्मचारी संघ मुख्य वन संरक्षण के तबादले से हैरान है। उनके तबादले पर सवाल उठाते हुए निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए है। मैं दुधवा रेंज से आया हूं, मनोज दुधवे में वायरलेस ऑपरेटर हूं। यहां पे सारे कर्मचारी इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि फील्ड डायरेक्टर महोदय का बिना कारण ट्रांसफर कर दिया गया है और सारे कर्मचारी इस ट्रांसफर को निरस्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। जब तक उनका निरस्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक महोदय श्री संजय पाठक सर का अकारण असमय स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे हमारे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अगर ऐसे ही स्थानांतरण होते रहे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। इन्हीं सब को देखते हुए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी हम लोगों का प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि इनका स्थानांतरण निरस्त करके वापसी न किया जाए। दुधवा टाइगर रिजर्व न्यूनतम लाभ दैनिक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय महामंत्री भी हूँ। तो दुधवा टाइगर रिजर्व वन परिवार की तरफ से सभी दैनिक कर्मचारी जो है श्रीमान फील्ड डायरेक्टर महोदय का अकारण बताओ कार्यहित और जनहित के कारण लांछन लगाकर यहाँ से ट्रांसफर करा दिया गया है, जबकि वो ट्रांसफर नीति के विरुद्ध है। तो मैं ऐसा चाहूँगा वह जब तक ले वो ईमानदार अफसर के रूप में उनकी छवि है दुधवा टाइगर रिजर्व में और दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए उन्होंने जान की परवाह नहीं की, भूखे रहकर कार्य किया है, हर तरह से कर्मचारियों के साथ रह के किया है। तो आज कर्मचारी उनके साथ खड़ा, जब तक उनका स्थानांतरण रोका नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।